कल हमने डिस्कस किया था और आज हम करेंगे 41। तो 40 श्लोक तक जो है पृथु महाराज जो है और कुमारों का वार्तालाप संवाद, उसमें कुमारों ने पृथु महाराज को ज्ञान दिया। अब जो है पृथु महाराज बदले में कुमारों से बातचीत करेंगे, उनका गुणगान करेंगे कि आपने उनको बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो 41वां श्लोक चतुर्दशकंद 22वां अध्याय 41वां श्लोक। मैत्रेय उवाच सा एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेण मेधसा दर्शितात्मगति सम्यक् प्रशस्ति उवाच तं नृपः। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने कहा सा राजा एवं मैत्रेय उवाच मैत्रेय ऋषि कहा सह राजा एवं इस प्रकार ब्रह्मपुत्रेण ब्रह्मा के पुत्र द्वारा कुमारेण कुमारों में से एक के द्वारा आत्मनिष्ठा आत्मज्ञान पारक दर्शित दिखाया जाकर आत्मगति आध्यात्मिक प्रगति सम्यक विद्या पूजा करते उवाच कहा तम से आदम। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र कुमारों में से एक के द्वारा जो पूर्ण आत्मज्ञानी था पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करके राजा ने उनकी निम्नलिखित शब्दों से आराधना की। इस श्लोक के आत्मवेदता शब्द की टीका श्रीपा आदिनाचक्य है। वे कहते हैं आत्मनी का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण या परमात्मनी। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, ईश्वरा पर कृष्णा। अतः जिसका मन कृष्ण चेतना में लगा हो वह आत्मवेदा है। इसका विलोम ग्रहमेदी, आत्मेदी ग्रहमेदी। आत्मेदी का मतलब जो भगवान में जिसका चित्त लगा है, ग्रहमेदी इसका उल्टा होता है। जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका मन सदैव भौतिक कार्यों के चिंतन में फंसा रहे। आत्मेदा माने सदैव कृष्ण चेतना में श्री कृष्ण के कार्यकलापों का चिंतन करना। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार पूर्णता श्री कृष्ण के भक्त थे, इसलिए उन्होंने वे आत्मोन्नति का मार्ग बता सकते। आत्मगति शब्द कर्मों के पद का सूचक है जिससे मनुष्य को जान सकता है। ठीक है, ओके। ओके, तो इन दिस इस तरीके से पृथु महाराज अब जो है उनकी आराधना यानी कि उनका गुणगान। अभी ज्ञान लिया है तो उसके बाद जिससे हमने ज्ञान सीखा है उसके बारे में वो कुछ बताएंगे, उसको धन्यवाद बोलना। इस तरह का ये सामान्य एटिकेट यानी सामान्य व्यवहार होता है, सदाचार होता है कि कोई कुछ सिखाता है तो बदले में हम उसको कुछ दें, कुछ दक्षिणा दें, कुछ कुछ शब्द बोलें, आभार व्यक्त करें और ये बताएं कि हमको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, किस तरह से हमारा ज्ञान हुआ, अज्ञान हुआ, ये सब चीजें हमको बतानी चाहिए और कुछ दक्षिणा देनी चाहिए जब, और कुछ पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए जब भी हम किसी से कुछ ज्ञान सीखते हैं, स्पेशली आध्यात्मिक ज्ञान जब सीखते हैं तो हमें इस तरह का चीजें करना चाहिए। भगवद्गीता को अर्जुन को कृष्ण ने भगवद्गीता बताया तो बाद में अर्जुन ने भी अंत में ये बोला कि हाँ भाई हमको कृष्ण ये चीजें समझ में आई हैं, अब मैं इस ज्ञान के आधार पर ये काम करने वाला हूँ। किस तरह से लोगों को अपना आभार व्यक्त करना और अपनी समझ व्यक्त करना बनता है ना, ये एक सामान्य सदाचार होता है। ठीक है, जब किसी से कुछ सीखते हैं तो बदले में हम उनको कुछ देते हैं उपहार स्वरूप या क्योंकि, लेकिन सिखाने वाला कभी ऐसी आशा नहीं करता है कि हमको कुछ मिले या फिर हमें कुछ देना चाहिए। ठीक है, या ये हमें कुछ दे, ये देगा तभी सिखाएंगे, पहले से फिक्स कर लिया इतने पैसे अभी हम, ये सब भौतिक जगत में होता है, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो भौतिक जगत में सिखाने वाला पैसे मांगता है, सीखने वाला देना नहीं चाहता। आध्यात्मिक जगत में उल्टा होता है, सिखाने वाला मांगता नहीं है और लेना नहीं चाहता, लेकिन सीखने वाला देना चाहता है, लेकिन सिखाने वाला लेना नहीं चाहता। तो
42 राजवाच कृतो मे अनुग्रह पूर्वं हरिणार्थानुकम्पिना तम अपादयितुं ब्रह्मन् भगवान् यूयम् आगतः। ठीक है, कह रहे हैं राजा उवाच, राजा ने कहा कृपा किया हो मैं मेरे प्रति अनुग्रह युक्ति कृपा पूर्वम पहले हरिणा भगवान विष्णु द्वारा आर्थ अनुकंपना दुखी पुरुषों पर दयालु तम उस आपादितुम पुष्टि के लिए ब्राह्मण हे ब्राह्मण भगवान ने शान यूयम तुम सब आगता यहाँ आए हो। राजा ने कहा हे ब्राह्मण प्रथु महाराज उनको कह रहे तुम्हारा हे ब्राह्मण हे शक्तिमान पहले भगवान विष्णु ने मुझको आयु की कृपा प्रदर्शित की थी और यह संकेत किया था कि आप मेरे घर पधारेंगे। आपको याद होगा जब भगवान विष्णु जो है तुम्हारा से बात किए थे यज्ञ के बाद तो उन्होंने कहा था कि आपको ज्ञान देने के लिए स्वयं कुमार चारों कुमार आएंगे। ठीक है, आप उनसे भेंट हो तो वही बता रहे हैं कि मुझे कृष्ण ने ऑलरेडी बताया हुआ था आप लोग उसी आशीर्वाद की पुष्टि करने के लिए यहाँ पर आए। तो जो कृष्ण का आशीर्वाद जो मुझे मिला था भगवान विष्णु ने मुझे जो आशीर्वाद दिया था आज आपके आने से वो आशीर्वाद क्या हो गया पूर्ण हो गया। भगवान विष्णु उस समय एक स्तर पर प्रकट हुए थे जब आप लोगों को याद होगा जब राजा प्रथु महान यज्ञ कर रहे थे तब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कुमार चार कुमार शीघ्र ही आएंगे और आपको उपदेश देंगे। इसलिए महाराज प्रथु को भगवान के कृपा का स्मरण था इसलिए उन्होंने कुमारों के आगमन पर उनका स्वागत किया क्योंकि वे भगवान की भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे। दूसरे शब्दों में जब भगवान कोई भविष्यवाणी करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि जब भगवान कोई भविष्यवाणी करते हैं तो किसी भक्त के माध्यम से पूरा करते हैं। ठीक है, भगवान अगर किसी को कोई आशीर्वाद देंगे कुछ वरदान देंगे कुछ होगा तो वो किसी भक्त के माध्यम से ही होगा। जैसे अगर आपने कुछ भगवान से मांग लिया तो भगवान अगर उसको पूरा करना भी चाहें तो कैसे करेंगे वो जो है आपको भगवान आपके जीवन में कोई को भेजेंगे और उसके द्वारा ये काम आपके जीवन में होगा। ठीक है, जैसे आप चाहें कोई मेरे को कुछ मिल जाए या मैं ये सीख जाऊँ मैं भगवदगीता सीख जाऊँ कोई चीज भी वो एक भक्त को आपके जीवन भेजेंगे। जैसे आपको ध्यान होगा अगर जो है गुरु महाराज के ऊपर कृपा करने थी तो गुरु महाराज भगवान को भेजने गए तो भगवान ने नारद जी को उनके जीवन भेज दिया और नारद जी को आगे सब कुछ सीखा। इसी प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ठीक है, तो जब भगवान ने भविष्यवाणी की कि पृथ्वी महाराज आपको ज्ञान देने के लिए चार कुमार आएंगे तो चार कुमार आए। इसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु जब स्वयं कृष्ण उन्होंने भी भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी कि भगवान के महिमामय नाम का तथा हरे कृष्ण महामंत्र का विश्व के समस्त नगरों तथा गाँव में प्रसार होगा। ठीक है, भविष्यवाणी की थी श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री भक्ति विनोद ठाकुर तथा श्री भक्ति सरस्वती प्रभुपाद ने इस महान भविष्यवाणी पूरा करने की इच्छा व्यक्त की और हम उन्हीं के पद चरणों का अनुसरण अनुगमन कर रहे हैं। तो उन्होंने भगवान ने ये भविष्यवाणी की भैया पूरे गाँव गाँव में हरे कृष्ण महामंत्र फैल जाएगा। भविष्यवाणी को पूरा किसने किया भगवान के भक्त यानी कि श्रील प्रभुपाद ने। ठीक है, उन्होंने ही तो फैलाया पूरे सभी देशों में सभी गांव। तो भगवान की कोई भी भविष्यवाणी होगी उसकी पूर्ति के लिए कौन करेगा उसको भक्त। भक्त के द्वारा ही भगवान की भविष्यवाणियां पूरी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के समय अर्जुन से कहा कौन पे अपनी जानी नवी भक्ता प्रणिष्यति हे कुंती के पुत्र हे कुंती पुत्र तुम घोषणा करके बता दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होगा। भगवान चाहते तो ये घोषणा स्वयं कर सकते थे, खुद भी तो कह सकते थे, अर्जुन को क्यों कह रहे तुम कह रहे खुद कह सकते थे, लेकिन किंतु उनकी इच्छा थी कि अर्जुन ये घोषणा करे और इस प्रकार आश्वस्त होना चाहते थे कि उनका वचन खंडित ना हो। भगवान अपना वचन तो कभी तोड़ भी सकते लेकिन भक्त का वचन कभी नहीं टूटने देते। भगवान ने वचन लिया था कि वो महाभारत की लड़ाई में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे लेकिन भक्त के वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया। इसलिए भगवान जो भी काम करते हैं वो उनकी वैभव में उनकी गुणगान में और नई अध्याय को जोड़ देता है। भगवान ने रथ का पहिया उठाया भीष्म पितामह को मारने के लिए
भगवान का एक और नाम बन गया रत्नाकर पांडे। भगवान स्वयं वचन देते हैं और उनके विश्वास पात्र भक्त उसको पूरा करते हैं। भगवान विपत्ति ग्रस्त मानवता के लाभ हेतु अनेक वचन देते रहते हैं। यद्यपि भगवान विपत्ति ग्रस्त मानव पर दयालु रहते हैं, जब सब मनुष्य पर विपत्ति आती तो भगवान दया करते हैं, किंतु मनुष्य सामान्यतया उनकी सेवा करने के आतुर नहीं रहते। भगवान तो दया करना चाहते हैं पर मनुष्य भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। ये संबंध पिता तथा पुत्र जैसा है। पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए सदैव कामना करता है, भले ही पुत्र पिता की अपेक्षा करे या उसे भूल जाए। अनुकंपना शब्द महत्वपूर्ण है। ईश्वर जीवात्माओं पर इतने दयालु होते हैं कि पतितात्माओं के लाभ हेतु स्वयं इस संसार में अवतरित होते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, भगवान ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत्कारितार्थानं धर्मस्य सुदात्मानं सत्यम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्कर्ष होता है, उस समय हे अर्जुन मैं अवतरित होता हूँ। इसलिए भगवान केवल दयावश अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण पतित आत्माओं पर दया करने के लिए ही इस रूप में प्रकट हुए। भगवान बुद्ध असुरों द्वारा मारे जाने वाले बेसहारा पशुओं के प्रति दया भाव से प्रकट। भगवान बुद्ध कौन है? कृष्ण के अवतार है। क्यों आए वो? क्योंकि पशुओं की जानवरों की बिना रोक टोक के हत्या की जा रही थी, उसको रोकने के लिए आए और अहिंसा का पाठ। फिर भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज पर दया करने के लिए आए। तो यहाँ भी निष्कर्ष यह है कि भगवान इस संसार में पतित आत्मा पर इतने दयालु रहते हैं, या तो वे स्वयं प्रकट होते हैं या अपने भक्तों तथा दासों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, या तो भगवान स्वयं आ जाएंगे भक्त को भेज देंगे, ठीक है, जिससे सारे पतित जीव भगवान के नाम वापस। भक्तों का जीवों पर कल्याण करने के लिए भगवान या तो स्वयं आ जाते हैं या अपने भक्त को भेज देते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो जीव है, मनुष्य है, साधारण मनुष्य है, वो जो है इस चीज को मानते नहीं, भगवान की सेवा करते नहीं, वैष्णव की सेवा करते नहीं, वैष्णव की आज्ञा मानते नहीं, इसलिए उनका कल्याण भी नहीं होता। वैष्णव बोलेंगे ये काम मत करो तो उन्हें करना है, उल्टा चलेंगे तो कैसे सुनेंगे। फिर कष्ट आते हैं तो कहते भगवान भाई रक्षा नहीं करे। भगवान कह रहे हैं ना कि ऐसा ऐसा काम मत करो नहीं तो कष्ट आएगा, पहले से बता रहे हैं नहीं करना, हम करेंगे तो कष्ट फंसेंगे ना। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण ने सारे मानव समाज के लाभ के लिए अर्जुन को भगवत गीता को उपदेश दिया। अदा बुद्धिमान लोगों को इस भावनागत आंदोलन के विषय में भी गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। जो बुद्धिमान लोग हैं वही समझ सकते हैं भक्ति के और उनके शुद्ध भक्तों द्वारा उच्चारित भगवत गीता के उपदेश का लाभ होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा सारा कहाँ निकल गया। हरे कृष्णा, आप लोग म्यूट कर सकते हैं। ओके, 43वां श्लोक। निष्पादितस्य कात्सल्येन भगवत् ऋणालुभिः साधुच्छिष्टं हि मे सर्वम् आत्मना स किं ददे। निष्पादिता च तथा आज्ञा का समुचित पालन हो गया, कात्सल्येन पूर्णता भगवत् भगवान के प्रतिनिधियों द्वारा, ऋणालुभिः अत्यंत दयालु द्वारा, साधु उच्छिष्टम साधु पुरुषों का जूठन ही निश्चय में मेरा सर्वम चीज आत्मा आत्मा सह साथ किम क्या दे तुम। हे ब्राह्मण, आपने तो भगवान के आदेश का सम्यक पालन किया है, ठीक है। 43वां श्लोक बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभु महाराज
कह रहे हैं हम उन्होंने ज्ञान लिया है तो उनके गुरु हुए सनत कुमार, उनसे कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण आपने तो भगवान के आदेश का सम्यक पालन किया है क्योंकि आप उन्हीं के समान उदार भी हैं, आप भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, भगवान जितने भगवान उदार होते हैं उतने आप भी उदार, इसलिए ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको कुछ अर्पित करूं। महाराज कह रहे हैं मेरी ड्यूटी बन भाई, आपने मुझे ज्ञान सिखाया, मेरे पर दया करी कि मुझे भगवान के बारे में बताया, तो इससे बड़ी दया और क्या हो सकती है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको कुछ अर्पित करूं, किंतु मेरे पास जो कुछ भी है वह साधु पुरुषों के भोजन में से बचा बचा प्रसाद ही है, मैं आपको क्या दूं। इस श्लोक में साधु चिष्टम शब्द मात्रों ने प्रभु महाराज को अपना राज तथा साधु जैसे प्राप्त हुआ था जैसे चिष्ट प्राप्त होता है, क्योंकि प्रभु महाराज कह रहे हैं कि जो मेरे पास है वो मेरा तो है ही नहीं, वो तो मुझे साधुओं ने दिया था, क्योंकि अगर आपको कहानी याद होगी पहले बस पानी डालेगी और, बेटा और नमक डाल और ओके अच्छा ओके सो एक्चुअली देयर इज व्हेन यू पुट देयर इज एन ऑप्शन इट सेज म्यूट ऑल, सो व्हेन यू क्लिक ऑन म्यूट ऑल देयर इज अ चेक बॉक्स which says that participant can do their own unmute or not. So if you uncheck that box, then participant cannot okay, so what was I saying? अच्छा हाँ, तो प्रभु महाराज कह रहे हैं कि भाई मेरे पास जो तो है वो मेरा तो है नहीं, ओके तो प्रभु महाराज कह रहे हैं कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरा नहीं है बल्कि वो जो है एक्चुअली मैं आपको याद होगा कहानी कि शुरू में जब इनके पिता यानी कि प्रभु महाराज के पिता बेण, तो राजा बेण को साप देके ब्राह्मणों ने मार दिया था और फिर वो राज ब्राह्मणों ने प्रभु महाराज को दिया था, तो प्रभु महाराज कह रहे हैं जो मेरे पास है वो मेरा नहीं हो तो ब्राह्मणों ने ही मुझे दिया है ना, तो मैं आपको क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना, मेरा जो मुझे दिया वो भी साधुओं का था, साधुओं ने मुझे दिया है ना, तो उनका ही है वो, मैं कुछ कुछ चला रहा हूँ, तो मैं आपको मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ पर मैं क्या दूं। तो राजा बेण की मृत्यु के बाद सारा विश्व लोकप्रिय शासक से वंचित हो चुका था, अनेक आपत्तियां गिरने लगी थी, तब प्रभु आदि ऋषियों ने राजा बेण के मृत शरीर से राजा प्रभु के शरीर को उत्पन्न किया, क्योंकि राजा प्रभु को ऋषियों की कृपा से राज्य प्राप्त हुआ था तथा वे अपने राज्य को कुमारों जैसे ऋषियों में वितरित करना नहीं चाह रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनको ऋषियों से ही मिला था अतः वे अपने राज्य को कुमारों जैसे ऋषियों में वितरित करना नहीं चाह रहे थे, जब पिता भोजन करता रहता है तो वह दयावश दे सकता है किंतु यह जूटन पुनः पिता को नहीं दिया जा सकता, भाई एक साधु से जो हमें मिला है उसको हम दोबारा साधु कैसे दे सकते हैं, ठीक है उसका ही है, ठीक है, तो जैसे अगर पिता खाना खा रहा है तो अपने बच्चे को दे सकता है लेकिन बच्चा उसको वापस नहीं देना चाहिए, ठीक है नहीं, तो भले ही यह उसी के द्वारा चर्चित हो चुका हो। प्रभु महाराज की स्थिति कुछ ऐसी ही थी, उनके पास जो भी था वह उच्च स्टूडेंट था उसे कुमारों को नहीं दे सकते थे, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कुमारों को अपना सब कुछ दे डाला, फलता उन्होंने जिस रूप में चाहा उपभोग किया, यह अगले श्लोक से स्पष्ट होगा, ठीक है, तो
क्या दें गुरु दक्षिणा में ये उनको लग रहा है। तो कैसे गुरु महाराज ने जो उनका सारा धन था वो उसमें दान में दे दिया था, ठीक है। तो जो कुछ भी उनके पास था वो भी साधुओं के द्वारा दिया हुआ था, इसलिए वो उनको नहीं देना चाहते, ठीक है। अच्छा अगला श्लोक 44वें श्लोक में कह रहे हैं प्राणादा, बहुत अच्छा श्लोक है। प्राणादारा सुता ब्राह्मण ग्रहस्य सपरीक्षदा राज्यम बलम महीकोश इति सर्वम निवेदिता, ठीक है। प्राण मेरा प्राण जीवन, दारा मने स्त्री, सुता मने संतान है, ब्राह्मण मने ये ब्राह्मण, ग्रह घर चाहिए परिच्छदा समस्त सामग्री राज्य राज्य बलम शक्ति सेना मही धरती कोश खजाना इति सर्वम सब कुछ निवेदनम अर्पित। राजा ने आगे कहा कि अतः हे ब्राह्मणों मेरा प्राण पत्नी बच्चे घर घर का साज सामान, मेरे प्राण मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरा घर और घर के अंदर का सारा सामान, मेरा राज मेरी सेना पृथ्वी तथा मेरा खजाना राज को ये सब आपको अर्पित, सब कुछ आपको। तो दारा के स्थान पर कहीं कहीं राय पाठ होता है जिसका अर्थ होता है संपत्ति। भारत में अभी ऐसे धनी व्यक्ति हैं जो राज्य द्वारा राय के रूप में सम्मानित हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का एक महान भक्त रामानंद राय कहलाता था क्योंकि मद्रास का राज्यपाल था और अत्यंत धनी था। अब भी अनेक रायपालधारी हैं, राय बहादुर, राय चौधरी इत्यादि। दारा अर्थात पत्नी को ब्राह्मणों को दिए जाने की अनुमति नहीं है। दान के पात्र को सब कुछ प्रदान किया जाता है किंतु कहीं भी यह नहीं पाया जाता कि पत्नी दान में दी जाए, कोई अपनी पत्नी को दान में नहीं देता। अतः यहाँ पर दारा के स्थान पर राया पाठ अधिक उपयुक्त है। यही नहीं, चूंकि पृथ्वी महाराज ने कुमारों को सर्वस्व अर्पित कर दिया अतः कोष खजाना का प्रत्येक उल्लेख नहीं होना चाहिए था। राजे तथा महाराजे अपना निजी कोष रखते थे जिसे रत्न भंडार कहा जाता था। कोष कक्ष होता था विशेष प्रकार के हीरे जवाहरात चूड़ियां हार इत्यादि रखे जाते थे। ये नागरिकों द्वारा राजा को भेंट स्वरूप प्राप्त होते थे, राजा का निजी होता। ये हीरे जवाहरात नियमित कोष से पृथक रखे जाते थे जिसमें भूमि कर आदि संचित होते। राजा के गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी वो अलग है और राजा का अपना अलग होता किसी ने दिया हो। ये पहले ही स्वीकार किया जा चुका है कि राजा की सारी संपत्ति ब्राह्मणों की थी, तो वह तो राज्य के कल्याण के लिए उसको उपयोग कर रहा था। यदि यह संपत्ति वास्तव में ब्राह्मणों की थी तो किस प्रकार उन्हें पुनः प्रदान की जा सकती। इस संबंध में श्रीपाद श्रीधर गोस्वामी ने व्याख्या की है कि ये भेंट तो वैसे जैसे दास द्वारा अपने स्वामी को दिया गया भोजन। भोजन पहले से स्वामी का होता है क्योंकि उसके द्वारा खरीदा हुआ होता है, सेवक भोजन बनाकर स्वामी के खाने योग्य बनाता है, ठीक है, और उसे प्रदान करता है। तो वैसे खाना सब मालिक ही लाता है लेकिन जो नौकर होता है उसको बनाता है और फिर वापस मालिक लाता है। तो वैसे ही ठीक है, ब्राह्मणों ने दिया उसको उन्होंने यूज करके अच्छा करके ब्राह्मणों को दिया। इस तरह पृथ्वी महाराज के पास जो कुछ था उसे उन्होंने कुमारों को अर्पित कर दिया, सब कुछ जो है उन्होंने कुमारों को दे दिया, ठीक है। ओके, सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर। सेनापत्यम सेनापति का पद चाहता, राज्य शासक का पद चाहताधिपत्यम लोगों का स्वामित्व चाहता, वेद शास्त्र वेदिक साहित्य का ज्ञाता अर्हति पात्र। चूंकि केवल ऐसा व्यक्ति जो वैदिक ज्ञान के अनुसार पूर्ण शिक्षित हो सेनापति राज्य का शासक दंड सारे लोग का स्वामित्व होने का पात्र होता है। तो यहाँ इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल साधु पुरुषों तथा कुमारों जैसे ब्राह्मणों के आदेशों पर राज्य का शासन चलाना। राज्य कैसे चलता है? ब्राह्मणों और साधु की दिशा निर्देश में। जब संसार भर में राजतंत्र का बोलबाला था तो राजा को साधु पुरुष तथा ब्राह्मणों की निर्देश, जो राजा होता था उसको साधु या ब्राह्मण लोग निर्देश देते थे और उसके हिसाब से राजा जो है राज्य का शासक या राजा ब्राह्मणों के दास के रूप में अपना काम करता था। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण या राजागण तानाशाह थे, ना ही वे अपने राज्य अपने को राज्य का स्वामी समझते थे। वे अपने वे राजा से नहीं मानता था कि मैं ही स्वामी, ब्राह्मण के दिशा निर्देश में वो काम करता था। तो
तो राजा भी वैदिक साहित्य में पारंगत होते थे और इस तरह के ईश्वर के सत्य के इस आदेश से परिचित होते थे, ईशा वास्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी विद्वान है वो भगवान का है। राजा को पता मेरा कुछ नहीं, सब भगवान का है। भगवत गीता भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे सभी लोगों के स्वामी है, सर्वलोक महेश्वर। ऐसा होने से कोई भी अपने पुराण का स्वामी नहीं कह सकता। राज्य के राजा, राष्ट्रपति या अध्यक्ष को यह सदैव याद रखना चाहिए कि एक्चुअली में स्वामी वो नहीं है, वो क्या है, दास है। राजा क्या है, दास है। स्वामी कौन है, कृष्ण। सब कुछ किसका है, कृष्ण। वर्तमान युग के राजा या राष्ट्रपति ये भूल जाते हैं कि ईश्वर के दास है। वे अपने को जनता का दास समझते हैं। वर्तमान प्रजातंत्र सरकार अपने को जनता की सरकार घोषित करती है। ऐसी सरकार जो जनता द्वारा जनता के लिए बनी है, किसी वेदों में इस प्रकार की सरकार को स्वीकृति नहीं दी गई है। ये जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इस तरह की सरकार वैदिक शास्त्रों में नहीं बताई गई है। ठीक है, तो वेदों का क्या कहना है कि राज्य का संचालन भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, इसलिए भगवान के जो प्रतिनिधि हो, भगवान का जो भक्त है, वही राजा होना चाहिए। यदि राज्य का अध्यक्ष वेदिक ज्ञान से विहीन हो तो उसे शासक नहीं, अगर उसको वेदों के बारे में ज्ञान नहीं है तो उसको राजा नहीं बना सकते आप। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि सभी उच्च सरकारी पद ऐसे व्यक्तियों के जो वेदों की शिक्षाओं से ज्ञात हो, सारे ऊंचे पद उनको मिलना चाहिए जिनको वेद का ज्ञान है, भगवदगीता भागवत शास्त्रों ज्ञान है। वेद शास्त्र विद अर्हति, वेदों में निश्चित आदेश है कि राजा, सेनापति, सैनिक तथा नागरिक किस प्रकार से आचरण करें। तो दुर्भाग्यवश इस युग में अनेक ऐसे तथा कथित दार्शनिक हैं जो भगवान का उद्धरण किए बिना आदेश देते हैं, अनेक उनके अवैधानिक आदेश का पालन करते हैं। बहुत सारे ऐसे कोई भी कुछ भी अपने मन में जो आया लिख दिया में या कुछ छाप, और राजा जो मंत्री लोग होते हैं उसको पढ़ के उसी हिसाब से राज्य चलाते हैं। इसलिए तो लोग जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि काल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत द्वंद्वात्मक साम्यवाद कम्युनिज्म का आधुनिक सिद्धांत, जिसका अनुसरण साम्यवादी सरकारें करती हैं, कम्युनिस्ट सरकार, ये अच्छा नहीं है, पूर्ण नहीं है। वैदिक साम्यवाद ये वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं मिला है। वैदिक साम्यवाद के अनुसार कैसा होता है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं मरना चाहिए। इस समय ऐसी अनेक भ्रष्ट संस्थाएं हैं जो भूखे लोगों को भोजन कराने के वजह से जनता से धन इकट्ठा करते हैं। फूड फ्री में खाना बांटने के लिए जनता से वो पैसा लेते हैं कि हम फ्री में खाना खिलाएंगे, और फिर क्या करते हैं, उस धन का वो जो है दुरुपयोग करते हैं, अपने फायदे में लगाते हैं। खाना भी नहीं खिलाते और उसको अपने फायदे में लगाते हैं। वैदिक आदेशों के अनुसार सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भुखमरी का प्रश्न ही ना उठे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ग्रस्त को चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रस्त व्यक्ति है, भागवत कहती है कि जो ग्रस्त व्यक्ति है उसको चाहिए कि छिपकली हो उसके घर में, सर्प हो, किसी को भी भूखो ना मरने दिया जाए, सबको भोजन दिया जाए। ठीक है, तो पूरा वैदिक सभ्यता में क्या होता था कि घर का जो मालिक होता था मुखिया, वो रात में जब खाना खाने बैठता था तो पहले गेट के बाहर आएगा, घर के बाहर, और जोर से आवाज लगाएगा कि कोई है क्या भूखा, किसी को खाना चाहिए क्या, जोर जोर से चिल्लाएगा, आसपास में कोई होगा तो वो आ जाएगा, उनको खिलाएगा, तभी ये खा के सोएगा, अगर कोई नहीं है तो फिर ये खा के सोएगा। लेकिन ये पहले सब कुछ बताएगा, कोई अगर किसी को खाना चाहिए, कोई भूखा है तो आ जाओ। ठीक है, ऐसा पहले के लोग करते थे। ठीक है, तो कोई भूखा नहीं रहता था, गृहस्थ का काम है कि सबको खाना खिलाए। ठीक है, वेदों में कहा गया है कि अच्छा, तो वास्तव में भुखमरी का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की, और भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि हर एक को भोजन मिले। वेदों में कहा गया एको बहुनाम योग्य दधाति कामान, परमेश्वर हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं, सबको भगवान जरूरी चीजें देंगे। ठीक है, लालच के लिए नहीं है, पर आपकी आवश्यकता के लिए हमेशा है। अतः भुखमरी का प्रश्न ही नहीं है, कोई भूखे नहीं मर सकता अगर भगवान के नियम के हिसाब से चलता है। यदि कोई भूखो मरता है तो तथाकथित शासक अधीक्षक राष्ट्रपति की दुर्व्यवस्था के कारण, भगवान की व्यवस्था नहीं है, ये सरकार की व्यवस्था खराब है कि लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिए ऐसा स्पष्ट है कि जो व्यक्ति वैदिक आदेशों में पारंगत है, शास्त्रों के ज्ञान है, शास्त्र को जानता है, ना हो अगर उसको ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, कोई व्यक्ति है उसको शास्त्र गीता भागवत के बारे में जानकारी नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति या
अध्यक्ष अधीक्षक इन सबका चुनाव ना लड़े। पहले के राजा ज्ञान रघुता तंतु राजर्षि किसे कहते थे? जिसका अर्थ होता है कि यद्यपि वे राजा की तरह काम करते थे लेकिन वो कैसे होते थे? साधु होते थे, क्योंकि वे वेदों की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते थे। और साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार राज करते थे। इस व्यवस्था के अनुसार राज के सारे राष्ट्रपति अधीक्षक कार्यकारी अपने अपने पदों के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि उन्हें वैदिक प्रशासनिक ज्ञान नहीं है। तो आजकल जो भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं सब बेकार है, क्योंकि किसी को शासन का ज्ञान नहीं है, सब ऐसे ही फर्जी बने बैठे हैं। और वे बड़े बड़े साधुओं तथा ब्राह्मणों से निर्देश नहीं लेते। कोई वैष्णव साधु से कोई तो ज्ञान लेता नहीं है, अपने मन में जो आया वही नियम बना के और राज करते रहते। वेदों तथा ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा के कारण ही पृथु महाराज के पिता राजा भीम को ब्राह्मणों ने मार डाला। अतः पृथु महाराज भली भांति जानते थे कि उन्हें साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों के सेवक के रूप में सुख का शासन करना शोभा देता था। ठीक है, इसलिए वो पृथु महाराज ने कैसे राज किया? साधु पुरुषों के जो है साधु पुरुषों के दास के रूप में। तो यहाँ पे इस श्लोक में 44वें श्लोक बताया गया है, 45वें श्लोक में बताया गया है कि राजा कैसा होना चाहिए, लीडर नेता कौन हो सकता है, बड़े पद पे बैठने वाला, बड़े पद